अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है एक्वा सॉल्यूशन और कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। देखो एक्वा सॉल्यूशन को उर्दू में देखा जाए ना, उर्दू में कहते हैं आबी महलूल, प्रॉपर जो लफ्ज़ है आबी महलूल। आबी का मतलब आपको पता है, आबी जहाँ वर्ड आता है इसका मतलब होता है पानी। एक्वस का लफ्जी मतलब जहाँ पे वो वर्ड एक्वस पढ़ लो ना समझ लीजिएगा वो पानी का रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? पानी का रिलेटेड होगा। अब ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी शय को पानी में हल करने के बाद बने, एक्वस सॉल्यूशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। सही है। तो द सॉल्यूशन which is formed by, dissolving a substance. Dissolving का मतलब होता है हल करना, dissolving a substance, किसी भी शय को हल करने के बाद dissolving a substance in water is called एक्वा सॉल्यूशन। इसके अलावा एक और भी डेफिनेशन हम इसकी अमूमन कर सकते हैं, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी एज अ सॉल्वेंट हो, द सॉल्यूशन, यह भी डेफिनेशन की जा सकती है, द सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन इन विच, जिसमें वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, जिसमें पानी को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाए, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन। ये दो डेफिनेशन की जा सकती हैं, दोनों का मतलब यानी कि वर्डिंग थोड़ी सी आपको डिफरेंट नज़र आ रही होगी, लेकिन दोनों का मतलब सेम है, दोनों डेफिनेशन का मतलब सेम है, वर्डिंग में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अब क्या मतलब है इसका, देखो इधर मेरी बात सुनना एक मिनट। मैं पानी लेता हूँ एक ग्लास, इसमें मैं कोई भी चीज़ डाल दूँ, मैं सपोज करता हूँ इसमें चीनी डाल दी, शुगर, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगी हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने चीनी को पानी में हल करके बनाया, एक्वा सॉल्यूशन। यही बात मैंने लिखी है, द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। कोई भी सॉल्यूशन जिसमें किसी भी शय को लेके पानी में हल करने के बाद बने, एक्वा सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन होगा? एक्वा सॉल्यूशन। अच्छा अब मैं दोबारा फिर पानी लेता हूँ, इसमें साल्ट डाल देता हूँ, तो क्या होगा? पानी में हल करके बनाया, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगे? एक्वस सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे हमारे पास? एक्वस सॉल्यूशन। ये बात आपने याद रखनी है। तो यही हमारे पास एग्जांपल है, मैं इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल दूंगा जो आपकी नॉर्मल जिंदगी में एक्वस सॉल्यूशन इस्तेमाल हो रहे हैं। एग्जांपल, साल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन। इसके अलावा शुगर इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन। इसके अलावा कूल ड्रिंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन। ये जो बोतल है ना कोका कोला की हो, स्प्राइट की हो, जिसकी मर्जी हो, ये सारी सारी बोतलें भी एक्वा सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। अब ये थे जी हमारे पास डेफिनेशन के बाद एग्जांपल की बात कर ली। सही है। तो कोई भी शय लेके उसको पानी में हल कर दो तो वो एक्वा सॉल्यूशन होगा। अच्छा आप मुझे बताना है क्या ये एक्वा सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। मैंने अल्कोहल ली, शराब लेकर पानी में डाल दी थोड़ी सी, क्या ये एक्वा सॉल्यूशन होगा? होगा। चलो ठीक है। चाय एक्वा सॉल्यूशन है या नहीं है? है, क्योंकि उसमें पानी के अंदर चीनी पत्ती सारा कुछ दूध वगैरह डाला होता है,
सही है, तो वो भी एक्वा सोल्यूशन है। चलो ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। क्या एयर एक्वा सोल्यूशन है? नहीं है, एयर इज नॉट एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन जब किसी चीज को लेके पानी में अलग करो तो एक्वा सोल्यूशन है, वरना एक्वा सोल्यूशन है नहीं। सो वॉटर इज नॉट एन एक्वा सोल्यूशन, पानी एक्वा सोल्यूशन है, सॉरी वाटर कह दिया, एयर एयर इज नॉट एक्वा सोल्यूशन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन कंपोनेंट। बच्चों याद रखिएगा, सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं? देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, दो कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन के। पहला कंपोनेंट, पहले नंबर पर जी सल्यूट, और सेकंड नंबर हमारे पास है सॉल्वेंट। सल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब डेफिनेशन देखी जाए तो बिल्कुल आसान से डेफिनेशन है, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वो कंपोनेंट या वो जुज प्रेजेंट, जो मौजूद हो प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, कम मिकदार में मौजूद हो, स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड सल्यूट। और सॉल्वेंट की डेफिनेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वैसी है, लेकिन आपने स्मॉलर की जगह पे क्या कर देना है, लार्जर। द कंपोनेंट ऑफ सल्यूशन, सल्यूशन का वो कंपोनेंट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, लार्जर लार्जर क्वांटिटी, ज्यादा मिकदार मौजूद हो, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इसको क्या नाम दे रहे थे? सॉल्वेंट का नाम दे रहे थे। मैं इसकी एग्जांपल की बात करूंगा और इसकी भी एग्जांपल की बात करके ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा देखना, मैंने पानी लिया, पानी में शुगर डाली, अब इन दोनों में से ज़्यादा मकदार किसकी होगी, पानी की होगी या शुगर की? पानी, वाटर की ज़्यादा मकदार होगी। सो वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज अ सॉल्यूट। अच्छा सॉल्यूट का मैं कहूँ ना आम जबान उर्दू में क्या कहेंगे, तो उर्दू में क्या कह देते हैं इसको, मोहल्लल या महल, इस तरह करके एक वर्ड है हमारे जहन, नहीं महलूल तो सॉल्यूशन कहते हैं, मोहल्लल इस तरह का कुछ वर्ड है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन इतना याद रखिएगा, सॉल्यूट हल होने वाला, जो जो हल हो रही है ना उसको कहते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट हल करने वाला। अब देखो पानी क्या कर रहा है, शुगर को अपने अंदर हल कर रहा है, सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या है? शुगर, और ये हल होने वाला, ये हल होने वाला और ये हल करने वाला। सही है, शुगर ज़्यादा पानी के अंदर डालोगे वो ज़्यादा हल ही नहीं होगी। सही है, नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, सॉल्यूशन होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर हो। सही है, तो अब वो शायद जो मकदार में ज़्यादा होगी उसको सॉल्वेंट कहेंगे, जो मकदार में कम होगी उसको सॉल्यूट कहेंगे। अच्छा अगर आ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर हेयर, शुगर इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एंड वाटर इज सॉल्वेंट, यही बात यहाँ पे लिखूंगा, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर हेयर, कोमा लगा के हेयर, शुगर इज सॉल्यूट, यहाँ पे शुगर सॉल्यूट है। इसका सेकंड एग्जांपल, अ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, पानी में साल्ट का सॉल्यूशन हेयर, यहाँ पर साल्ट इज सॉल्वेंट, यहाँ पे साल्ट क्या है?
सॉल्वेंट है, सॉरी सल्यूट। अब यही एग्जांपल मैंने यहाँ पे नीचे लिखनी है, अ सॉल्यूशन ऑफ, तो इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, एग्जाम्पल की हेडिंग यहाँ पे दे रहा हूँ, अ सॉल्यूशन ऑफ आ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर हेयर, वाटर क्या होगा यहाँ पे, हेयर वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल आपने खुद बना लेनी है, शुगर की जगह क्या करोगे, साल्ट। अच्छा एक मैं आपसे ना एक एमसीक्यू पूछता हूँ, द नंबर ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन, इन अ गिवन सॉल्यूशन इज ए बी सी डी, एक दो तीन या एनी नंबर, कौन सही होगा। ऐसे याद रखिएगा, कहते हैं एक सॉल्यूशन बनाते हो उसमें सॉल्यूट आप डालते हो, एक सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट हो सकते हैं, एक सॉल्यूट हो सकता है, दो सॉल्यूट हो सकते हैं, तीन या कोई भी सॉल्यूट हो सकते हैं, सही है, जितने मर्जी हो सकते हैं। याद रखिएगा ये जो सॉल्यूशन है इसमें कितने सॉल्यूट है, एक, इसमें शुगर को पानी में डाला तो सॉल्यूट कितना है, एक यहाँ पे। लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बात करते हो उसे मैं पानी के अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी सॉल्यूट है, सही है, शुगर फ्लेवर कलर, इसके अलावा वाटर सॉल्वेंट है, ये सारी सारी गैस वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा अगर मैं सॉल्यूट की जगह यहाँ पे सॉल्वेंट कर दूँ, द नंबर ऑफ सॉल्वेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज 1, 2, 3 और एनी नंबर, सॉल्वेंट हमेशा किसी भी सॉल्यूशन में एक होगा, सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ये बात आज अपने जहन बिठा लीजिएगा, क्या सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा एक सवाल आ जाता है, व्हाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, व्हाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, इसकी रीजन क्या है। सही बच्चे, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने अंदर ज़्यादातर चीज़ों को हल कर लेता है, पानी के अलावा देखो आपके मैक्सिमम ज़मीन पे 97% वाटर है और पानी के अंदर तकरीबन 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिजॉल्व फॉर्म में पानी के अंदर मौजूद हैं, 118 में से 92 एलिमेंट्स सी वाटर के अंदर मौजूद हैं, सही है। तो पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हल कर सकता है, यही बात है। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज, क्योंकि वाटर कैन डिजॉल्व, पानी कर सकता है हल, कैन डिजॉल्व मैक्सिमम सॉल्वेंट, मैक्सिमम सॉल्यूट, अच्छा मैक्सिमम सॉल्यूट की जगह पे मिनरल कर रहे हो ज़्यादा अच्छा है, मैक्सिमम मिनरल इन इट, अपने अंदर। इन इट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, इन वजूहात की बुनियाद पर, पहली वजह हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सेकंड वजह हो सकती है पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी की पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है इसमें पोज बन जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें हल हो जाती हैं। मैक्सिमम चीज़ें हल होने की मेन वजह ये दो चीज़ें, कुछ चीज़ें पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हल होती हैं, कुछ चीज़ें पानी में पोलैरिटी की वजह से हल होती हैं। आम खाने का नमक है उसको पानी में डालते वो हल हो रहा था पोलैरिटी की वजह से, चीनी को डालते चीनी हल हो रही थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी के अंदर आला। तो ये दो बातें याद रखिएगा। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्वा सॉल्यूशन क्या है। अब देखो, अब इस डेफिनेशन को पढ़ो, द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट, मतलब हल करने वाला क्या हो, पानी हो। ऊपर ही मैंने यही बात कही है, मतलब अल्फाज में चेंजिंग है, कॉन्सेप्ट सेम है दोनों डेफिनेशन का, सेम कॉन्सेप्ट दे रही है दोनों डेफिनेशन। सही है, तो आपको थोड़ा बहुत पता हो इन चीज़ों के बारे में। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।